हाँ मुखिया जी बताए, आप युवा में जो है आप जो है नॉमिनेट किए हैं, क्या नाम हुआ? हमारा नाम साकेत कुमार है। जोर से बोलिए। हमारा नाम साकेत कुमार है। किस पंचायत से आप नॉमिनेट? बराही पंचायत से खड़ा हुए हैं। क्या उद्देश्य है आपका? हमारा उद्देश्य है कि गरीबों के साथ जो इतना बड़ा शोषण अत्याचार हो रहा है, पिछले 21 वर्षों के दरमियान में जो जनता के साथ जो शोषण हुआ है, उसके विरुद्ध हम खड़ा हुए हैं। क्या लगता है आप जो है इस सारी कठिनाइयों को दूर कर पाइएगा? देखिए, कोशिश करने से हर एक काम सुलभ होता है, लेकिन मेरा मैक्सिमम प्रयास है कि जनता में भी यह जागरूकता है इस बार, और वह चाहेंगे कि इस चीज़ को ख़त्म हो, और होने की उम्मीद है। आपके पंचायत में मेडिकल सुविधा नहीं है अभी तक? देखिए, बहुत सारी सुविधाएं नहीं है, मेडिकल सुविधाएं नहीं है, उसके बाद पशुपालन के में जो है सो उसमें भी जो है सो लोगों को सही तरह से सुविधा मुहैया नहीं हो पा रहा है। साथ साथ क्या है, रोड का जो है सो उचित व्यवस्था नहीं है, रोड भी हमारे यहाँ सबसे गड़बड़ स्थिति में है। क्या नाम हुआ बाबा आपका? बालेश्वर यादव। क्या आप युवा मुखिया से सहमत हैं? हाँ। कैसे? क्या अच्छा, क्या उम्मीद है आपको? युवक है, काम करने वाला है। किस अंगिल से देख रहे हैं आप युवा मुखिया को? इनका निष्ठा से देख रहे हैं। क्या नाम हुआ बाबा आपका? बंदर यादव। क्या आप मुखिया से, युवा मुखिया से संतुष्ट हैं? क्या बाबा आप युवा मुखिया से संतुष्ट हैं? क्या नाम हुआ आपका? युवा मुखिया आपके पंचायत से आपकी बार नॉमिनेशन दिया है साकेत कुमार, क्या आप जो है इनको किस स्तर तक पहुंचाना चाहते हैं? आपका युवा मुखिया जो है नॉमिनेट किया है आपके बराही हसनपुर पंचायत से, क्या इनसे आप संतुष्ट हैं? खूब संतुष्ट है। कैसे संतुष्ट हैं? इसका वाणी से कर्म करेगा। कर्म करेगा? करेगा। कैसा कर्म करेगा? अच्छा। अच्छा अच्छा। पंचायत वासियों को क्या न्याय दिला पाएगा ये? हाँ, न्याय दे लेगा। क्या मुखिया जी जो है आपका जो है देख रहे हैं जनता जो है काफी समर्थन में है? देखिए, जनता क्या उम्मीद लेके रखे हुए हैं? पिछले हम तो पहले भी बताया कि पिछले 21 वर्षों में जनता त्रस्त हुई है, लोगों का शोषण हुआ है, आर्थिक शोषण। कैसा शोषण हुआ? आर्थिक शोषण सबसे ज्यादा हुआ है, इंदिरा आवास के नाम पे, पशु सेठ के नाम पे, अन्य चीजों के नाम। सुने हैं पंचायत में 25,000 इंदिरा आवास में लिया जाता है, क्या ये सत्य है? देखिए, इसमें क्या सच्चाई है, लेकिन मैक्सिमम रूप से जो जनता बोल रही है उस पर विश्वास करना ही होगा, और जब तक लिया नहीं जा रहा है तो फिर जनता इतना आक्रोशित क्यों है, इस बात को भी तो इस नजरिए से देखा जाए। उसके बाद पशु सेठ के नाम पर सबसे बड़ा माल उगाही हुआ है, राशन कार्ड के नाम पर हुआ है, वृद्धा पेंशन के नाम पर हुआ है, और साथ साथ कहिए तो विधवा पेंशन जो कि सबसे नीचे स्तर का बात हो जा रहा है, उसमें भी लोग पैसा ले रहे हैं और उसको वाजिब विधवा पेंशन नहीं हो रहा है। उसके बाद कबीर अंत्येष्टि योजना के तहत जो पैसा मिलती है सरकार दे रही है गरीबों के लिए मरणोपरांत उसके जलाने के लिए, उस पैसे में भी घपलेबाजी। क्या इन सभी बातों को जो आप जो है दिला पाइएगा? इंदिरा आवास दिला पाएंगे, 100% इसको दिलाने की कोशिश की जाएगी, और अभी भी हम बहुत सारे लोगों को दिलवाने का प्रयास किए हैं। आपके पंचायत में अभी तक में कितना लाभार्थी जो है वंचित है इंदिरा आवास से? बहुत सारे लाभार्थी हैं, इस पिछले 5 वर्षों में तो बहुत हमको लगता है कि हुआ ही नहीं है, नगण्य है। राशन कार्ड में क्या कमी? राशन कार्ड की स्थिति यह है कि पिछले 15 वर्षों में जो भूतपूर्व मुखिया जी रविशंकर बाबू थे, उन्होंने राशन कार्ड को जलाने का काम किया। क्यों जलाने का काम किया? अब उनको क्या स्थिति थी, क्या परिस्थिति थी, उन्होंने जो है सो राशन कार्ड लोगों को दिया नहीं, वो जलाने का काम किया, जला करके उनको खत्म। आपका कहने का मतलब है आपके पंचायत में सारी सरकारी सुविधा से वंचित? एकदम वंचित है, खास करके रोड की स्थिति को आप देखिए, आप जहाँ से आए होइएगा चौराहे चौक से लेकर के आप हमारे मोहनपुर तक के चलिए, और उसमें रोड की स्थिति इतनी खराब स्थिति में है जिसका कि कोई वर्णन नहीं है, बरसात के समय में समस्या ही समस्या है। इन सारी सुविधाओं को क्या आप अपने पंचायत वासियों को दिला पाइएगा? एकदम दिला पाएंगे, दिलाने की हर संभव कोशिश करेंगे, खास करके रोजगार यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा है, रोजगार नहीं है, और हर एक लोग लुभावनी बातें करते हैं चुनाव के दरमियान में, लेकिन लुभावनी बातें कब तक, जनता को कब तक आप बुरबक बनाइएगा, ठकिएगा? लुभावनी बातों पर नहीं, उनके काम पर जाइए, आप काम कीजिए, लोग आपके साथ आवेगा। क्या इन सारी मुद्दों को जो है आप जीत के बाद जो है न्याय दिल 100% इम्प्लीमेंट होगा? अगर इम्प्लीमेंट नहीं होगा तो फिर दोबारा हमारे साथ बाइट लेने के लिए आइएगा। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम साकेत कुमार है।
क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुरेंद्र शर्मा। क्या आपका युवा मुखिया पूरा बोल्ड होके बोल रहा है हम सारी सुविधाओं सरकारी सुविधाओं से जितने भी लाभार्थी हैं वंचित उनको सारे को न्याय दिलवाएंगे क्या? बिल्कुल सही। कैसे बिल्कुल सही? इसलिए कि समाज से भी है और गरीबों का मसीहा है, इसलिए हम इनसे जो है पूरा परिचित। गरीबों का मसीहा तो सारा मुखिया होता है, जीत के बाद तो घर में सो जाता है। वो तो उसकी ईमानदारी जाने, लेकिन हमारी नज़र से तो अभी बिल्कुल सही सलामत। क्या नाम हुआ बाबा आपका? क्या आप युवा मुखिया से संतुष्ट हैं? संतुष्ट। कैसे संतुष्ट हैं? सब चीज़ से। कैसे? हम सब चीज़ से संतुष्ट हैं। इससे सारी सुविधा दिला पाएगा? सारे सारे। हाँ, जीत की सजा दिया जा सकता है। हम जुड़ा हुआ है इससे सब चीज़ से। क्या नाम हुआ बाबा आपका? शटकुना बेटा। ये साकेत कुमार युवा मुखिया आपके पंचायत सब की बार नॉमिनेशन दिया है, क्या इनसे संतुष्ट हैं आप? हाँ। कैसे संतुष्ट हैं? सब कुछ से। कैसे सब कुछ से संतुष्ट हैं? कैसे समझ रहे हैं इसका सब कुछ व्यवहार अच्छा है? क्या आपको राशन कार्ड इंदिरा आवास सारा सुविधा दिला पाएगा? खरा उतरेगा ये? हाँ। जीतने के बाद भी? हाँ। सारा सुविधा दिला पाएगा? चलिए। क्या नाम हुआ बाबा आपका? महंती साहब। महंती साहब, महंती साहब जी बोलिए, आपके पंचायत में युवा मुखिया आपकी बार नॉमिनेशन दिया है, क्या आपका जो है दायित्व बनता है? युवा मुखिया को जीत का सहरा दिया जा सकता है? बिल्कुल। कैसे दिया जा सकता है? इसलिए इसका जो है रहन सहन सारा कुछ सामाजिक वातावरण से ठीक है, सब इन पर जो है आपकी बार खुश है, इसलिए हम लोग सहमत दे रहे हैं। जीत सुनिश्चित है? बात कहना मुश्किल है। कितने मतों से आप जीत सुनिश्चित कर रहे हैं इसका? ये हम कैसे कर सकते हैं? क्या नाम हुआ आपका? महंती। ओके, तरह तब भी कहेंगे हम चुनाव लड़ेंगे, नॉमिनेशन दे आवेंगे। वो तो अलग बात है, आखिर ये तो फ्री है ना, कोई लड़ सकता है इस पर।